Hello everyone, what's up? I hope you're doing well. This is me, Karan, and I am in Singapore. First things first, मैं वेदु को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं. मतलब इतना ज्यादा मिस कर रहा हूं कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि आप कितने भी बाहर आ जाओ, मतलब कितने भी अच्छी जगह पे आ जाओ, बट अगर आपके लव्ड वंस, आपके प्यार करने वाले, आपकी फैमिली, मतलब ये सारे लोग आपके साथ नहीं है ना, तो ये सारे जगहों का कोई मतलब ही नहीं है. बट एनी विच वेज, व्लॉग बनाने का मन नहीं था, पर फिर भी बना रहा हूं. आपको सोचा कि दिखा दूं कि कैसा है सिंगापुर, मेरा होटल कैसा है, और ये जो व्यू जो मुझे मिला है, आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू. सो लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग. चलिए शुरू करते हैं. तो मेरा रूम कुछ ऐसा है, जैसे आप एंटर करोगे यहां पर, एक सेकेंड, वापस यहां से कुछ ऐसा दिखता है. हाँ, बाहर कुछ ऐसा है. होटल बहुत ज़्यादा बड़ा है, नीचे भी बहुत ज़्यादा बड़ा. आपको चलो यहाँ से दिखा देता हूँ एक्चुअली कि कैसा दिख रहा है. तो यहाँ से बहुत बड़ा, एंड लिफ्ट विफ्ट है नीचे, बहुत सारी चीज़ें है. एंड मेरा रूम है 27th फ्लोर पे. तो 27th फ्लोर पे मेरा रूम जो है कुछ ऐसा दिखता है. यहाँ से करते हम लोग एंटर, 2716 रूम नंबर. एंटर करते ही मिरर, जहाँ पे आप अपने आप को चेकआउट कर सकते हो. उसके बाद बाथरूम, और उसके बाद यहाँ पर है मेन रूम. बाथरूम में आपको बाथटब मिलेगा. हाय हाय हाय, क्या बात है. बाथटब जहाँ पर होता है मैं खुश हो जाता हूँ. यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिरर, कितना बड़ा, एकदम पैनोरामिक मिरर लग रहा है यार, एकदम मस्त लग रहा है. यहाँ पर वॉशरूम, ये सेपरेट दिया हुआ है, विच इज़ वेरी नाइस. और यहाँ पर ठीक है, मैं नहा लूँगा कल सुबह, अभी नहीं. एंड दरवाज़ा कर देते बंद, पता चला कोई आ गया तो. अनजान कंट्री में भाई हम. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये है वार्डरोब, और यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें रख दी है. मतलब मेरा एक इवेंट है जिसके लिए मैं आया हूँ सिंगापुर, तो मैंने अपना सूट यहाँ पर निकाल के रख दिया है. मेरी बैग यहाँ पर रखी है, एक और छोटी बैग जो यहाँ पर रखी है, और बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर. इसको अच्छे से बंद कर देते हैं और आपको मेन रूम दिखाता हूँ. लेट्स गो. आर यू रेडी फॉर इट? आर यू रेडी? नो, यू आर नॉट रेडी. अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या है, तुम तो रूम दिखा रहे थे, अचानक बीच कहाँ से दिखा रहे हो? एक सेकेंड सब एक्सप्लेन करता हूँ. तो सिंगापुर आने के पहले मैं एक दिन के लिए गया था श्रीलंका. एक दिन के लिए क्यों? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट शूट थी और उसके लिए मुझे जाना पड़ा था. तो सुबह सुबह 5 बजे हम लोग हमारे होटल से निकल गए और 8 बजे हमको पहुंचना था शूट के लिए. और शूट थी यहाँ पर वाइल्ड कुक बुक, नंबर 1 क्रिएटर इन श्रीलंका. इसके साथ हम लोग शूट कर रहे थे, ही इज़ अ फूड क्रिएटर, और बहुत अमेजिंग है ये शूट. सुबह सुबह 8 बजे हम लोग इसके घर पे पहुंच गए थे. इसका घर इतना बढ़िया बीच के साइड में है, और धूप तो इतनी हो रही थी 8 बजे. मैंने तो सनस्क्रीन वगैरह कुछ नहीं लगाया था, तो मैं बस धूप से बचने की कोशिश कर रहा हूँ. बट मस्त शूट हो गई, और उसके बाद मुझे जाना था मुंबई, तो तुरंत हम लोग ने शूट ख़त्म कर ली, मिले विले, थोड़ा सा खाया पिया उनके पास, और निकल गए होटल के लिए. तो आ गए हम लोग शूट करके, बहुत मजा आया. इतनी ज्यादा धूप है ना भाई यहाँ पर, आपको क्या बताऊँ. और मेरा जो ये होटल है, ये आपने देखा था इसके पहले, मैंने एक इसके ऊपर पूरा ब्लॉग बनाया था. वो वाला रूम बहुत अमेजिंग था, उसमें बालकनी वगैरह थी, इसमें मुझे नहीं मिली है. तो इसका व्यू कुछ ऐसा है, देखो ये भी ठीक ठाक ही है, मतलब ओके सा है, बट बालकनी वाला रहता तो ज्यादा अच्छा रहता था, पर कोई नहीं. तो चलो मैं आ गया हूँ. तो अब क्या करना है मेरे को, मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट है. मेरे को पैकिंग तो कुछ करनी नहीं, मैं पैक सब कुछ करके आ गया था. अब मैं जा रहा हूँ सिंगापुर आज रात को, ठीक है. तो अभी मैं तुरंत यहाँ से भागूंगा, मेरी फ्लाइट लेट हुई तो मुझे सिंगापुर वाली फ्लाइट नहीं मिलेगी. मैं 8 बजे मुंबई पहुंचूंगा और 9 बजे मुझे सिंगापुर के फ्लाइट के लिए जाना है, क्योंकि मेरी 12 बजे सिंगापुर की फ्लाइट है. सो देखते हैं अब कैसा होता है, क्या होता है. अब मैं जाऊँगा तो मुझे फ्रेश फ्रेश होने का टाइम तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए सोच रहा हूँ अब वापस एक बार, बाथरूम अच्छा है वैसे, मुझे पसंद है. तो वापस एक बार सोच रहा हूँ कि नहा लेता हूँ भाई, और फ्रेश होके फिर जाऊंगा, और उधर से डायरेक्टली सीधा निकल जाऊंगा सिंगापुर के लिए. और आज नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, मेरे बाल देखो कितने मेसी लग रहे हैं, राइट. तो इसीलिए मैं आज यूज करने वाला हूँ बी ब्लंट का ये इंटेंस मॉइस्चर रेंज. तो चलो इसकी जो भी बेनिफिट्स है आपको दिखाता हूँ, और इसको यूज करते हैं, फटाफट नहाते हैं, और उसके बाद चलते सीधा एयरपोर्ट की ओर. लेट्स गो. ये है बी ब्लंट का इंटेंस मॉइस्चर रेंज. इट हैज जोजोबा ऑयल एंड विटामिन ई. जोजोबा ऑयल इज रिच इन विटामिंस एंड मिनरल्स, सो इट एक्ट्स एज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर दैट स्ट्रेंथेंस योर हेयर. विटामिन ई हाइड्रेट्स एंड रिजुविनेट्स ड्राई एंड फ्लेकी स्कैल्प.
इट ऑल्सो प्रमोट्स हेयर ग्रोथ. फोर इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू. फर्स्ट, इट गिव्स नरिश्ड एंड फ्रिज फ्री हेयर. सेकेंड, इट इज एनरिच्ड विद शाइन टॉनिक टू गिव शाइनी हेयर. थर्ड, इट इज डिजाइंड बाय एक्सपर्ट हेयर प्रोफेशनल्स टू गिव सैलो लाइक हेयर एट अनबिलीवेबल प्राइस ऑफ 399. फोर्थ, इट इज SLS एंड पैराबिन फ्री. तो चलो सबसे पहले शैम्पू यूज करेंगे, उसके बाद कंडीशनर यूज करेंगे. पहले आपको आपके बाल थोड़े से वेट कर लेना है, उसके बाद शैम्पू लेना है और अप्लाई कर देना है अपने हेयर पे. थोड़ी देर रुकना है और उसके बाद जस्ट वॉश ऑफ द शैम्पू. उसके बाद अप्लाई द कंडीशनर एंड लीव इट फॉर 5 to 10 minutes. 5-10 मिनट रखने के बाद कंडीशनर भी धो देना है. नहा के तो हो गया मेरा एंड आई एक्चुअली फील वेरी गुड. एज यू कैन सी देयर आर नो हेयर स्ट्रैंड्स ऑन द टॉवल. बी ब्लंड इज अमेजिंग. Use Traveler 2023 to get 20% off on BeBlend.com. Products also available on Amazon, Nike and Flipkart. मेरा नहा वहाँ के fresh हो गया हूँ मैं अभी. And अभी कितने बजे? 12:47. मुझे 1:30 तक एयरपोर्ट पहुँचना है. मेरा ड्राइवर जो है उसने बोला आप आओ आपको पहुँचा दूँगा मैं 30 से 40 मिनट में मैक्सिमम. So it's time to go to the airport. तो चलो चलते हैं एयरपोर्ट और चलता हूँ श्रीलंका से इंडिया जल्दी जल्दी फटाफट. मिलता हूँ आपको सीधा अभी एयरपोर्ट पर. तो चलिए चलते हैं अभी वापस हमारे सिंगापुर के रूम टूर पर. मुझे पता है श्रीलंका से सिंगापुर. हाँ पर चलो. यस, दिस इज द किंग साइज बेड दैट आई हैव. यहाँ पर एक टीवी है जो मैं ऑब्वियसली चालू नहीं करने वाला हूँ. और यहाँ पर एक मिनी बार है. यहाँ पर वर्क डेस्क है, कॉफी मशीन है, बहुत सारी चीजें. चलो दिखाता हूँ. बहुत बड़ा किंग साइज बेड विच इज अमेजिंग. बाजू में लैंप्स दो जो मैं ऑन रख के सोता हूँ हमेशा. मैं एक्चुअली सारे लाइट ऑन रख के सोता हूँ. ये साइड से भी रूम का व्यू दे देता हूँ. यहाँ पर मेरा चार्जर होगा और यही साइड में एक सोने वाला हूँ. एंड बेड काफ़ी बड़ा है, इट इज़ वेरी बिग. यहाँ से बाथटब दिखता है, पूरा बाथरूम दिख रहा है. लाइट्स आर ऑल्सो वेरी नाइस. सबसे मेन पार्ट तो अभी आने वाला है मेरे दोस्तों, वेट फॉर इट. तब तक यहाँ पर एक और चेयर दी गई है बैठने के लिए, मस्त एकदम. यहाँ पर वर्क डेस्क है आपका, फ़ोन रखा हुआ है वहाँ पर, मिनी बार जैसे मैंने आपको बताया. और ये कॉफ़ी मशीन है, इसमें कॉफ़ी बनती है तो आप कॉफ़ी पी सकते हो. एंड दिस इज़ फॉर फ्री. पर अगर मिनी बार से अगर आपको कुछ पीना है अल्कोहल तो दैट इज़ चार्जेबल. यहाँ पर हो सकता है, यस यहाँ पर है. ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है बट दीज आर चार्जेबल. तो अब सबसे मेन चीज़ जो है द स्काई लाइन, लेट मी शो इट टू यू. सिंगापुर के जो भी वीडियोस आपने देखे होंगे, जो भी पिक्चर्स देखे होंगे, आपने ये बिल्डिंग देखा होगा हमेशा, ये वाला मरीना बे. सो दिस इज सिंगापुर फॉर यू गाइस. अब मैं व्यू खराब नहीं करता हूँ आपको और मैं आपको पीछे से पूरा दिखा देता हूँ. यहाँ पर दिस इज द व्यू. ये मेरा होटल मरीना स्क्वायर के सामने बस मेरा होटल है. एंड दिस इज द स्काई लाइन. ये है वो स्काई लाइन जो इतनी अमेजिंग दिख रही है. और ये मरीना, एक सेकेंड ना, मैं इसका नाम भूल गया. मुझे जरा आप गूगल करने दे दो. मरीना बे, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड. बट जब तक मैं गूगल करता हूँ तब तक एक मिनट. मैंने महादेव का मेरे लैपटॉप पे ये रखा हुआ है वॉलपेपर. अब मुझे ये पासवर्ड मांग रहा है तो मैं जरा पासवर्ड देख लेता हूँ, गूगल वूगल करता हूँ और उसके बाद वापस मिलता हूँ आपको. 2 मिनट दे दीजिए मुझे. पढ़ाई कर ली मैंने, उसको क्या कहते हैं मुझे पता चल गया. बट उसको क्या कहते हैं उसके पहले मैं आपको मेरे होटल का नाम बता दूँ. पैन पैसिफिक मेरे होटल का नाम है, शायद मैंने वो बताया नहीं. तो ये रहा मेरे होटल का नाम. अब जब पढ़ाई कर ली तो बताता हूँ वो क्या है. वो है मरीना बे सैंड्स. इट्स अ रिसोर्ट, मतलब इंटीग्रेटेड रिसोर्ट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. और वहां पर कैसीनो है, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं. वहां पर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. इट्स एन आइकॉनिक थिंग इन इन श्रीलंका, बोलने वाला इन सिंगापुर. श्रीलंका से कल ही आया तो मतलब दिमाग में श्रीलंका ही चल रहा है. बट ये इट्स अ वेरी आइकॉनिक थिंग इन सिंगापुर. और आपको पता है, गैस करो, चलो वीडियो पॉज करो और गैस करो कि वहां पर ना वो होटल में कितने रूम्स होंगे. अब मैं बताता हूँ आंसर क्या है. 2561 रूम्स. 2561 रूम्स है भाई साहब ये जगह में. चलो जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ आपको. अमेजिंग राइट. बोट है ऊपर. बोट ऊपर क्या कर रही है, बोट तो नीचे होनी चाहिए पानी में. इन लोग को आता नहीं भाई बनाने. मैं जाता हूँ, मैं आज वो बोट नीचे लेकर आता हूँ. लाइक कर देना ये वीडियो. बस ये बोलने के लिए आया हूँ कि इतना ही था ये वीडियो. मुझे आपको मेरा रूम बताना था एक्चुअली कि कैसा है और रूम से व्यू क्या था वो बताना था. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.